तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और एक न्यू ब्लॉग के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइज, अभी कथा का एक दिन का तो ख़त्म हो गई थी, तो बागेश्वर धाम की अभी मैं कथा के पार्ट एक्चुअली मेरे कंटिन्यूस नहीं आए हैं, तो भागना तो बीच में रेगुलर मैंने ब्लॉग डाले नहीं, बहुत लेट हो गए हैं। तो ये सेकेंड डे अब हम जाएंगे शाम को और आज संपन्न हो जाएगी। आज गुरु जी चले गए थे तो वही छोटा सा एक भाग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा। और उस दिन ना बहुत मन इमोशनल हो गया था और सारे साधु संतों का भी हमें बहुत आशीर्वाद मिला, तो यही सब आपके साथ में लेके आई हूँ। ब्लॉग में बने रहें, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपना कमेंट फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो एंजॉय करें ब्लॉग में। तो यहाँ पे यानी संडे की शाम थी और ये अंतिम सातवां दिन था कथा का और हम जा रहे थे पंडाल की तरफ और बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। बस थोड़ी सी कथा मिली थी, बाकी आरती हो गई थी और हमने स्टेज पे जाके इतनी ज़्यादा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, बहुत अच्छा लगा। तो हम पंडाल की तरफ जा रहे हैं, मैं और मम्मी साथ में, और बस आज तो बहुत भीड़ है क्योंकि आज लास्ट दिन है, संडे भी है। और ये है भंडारे का एरिया, देखो भंडारे का कितनी भीड़ है भंडारे की तरफ, और यहाँ पर 24 घंटे भंडारा चलता है। कितनी भीड़ है भंडारे में, देखो मम्मी कैसे गुरु जी। जय हो, जय हो। 5 बजे ही आ गए थे। अब साफ कुछ नहीं है, कोई नहीं। ललिता दुबे, कृपया ध्यान दें, ललिता दुबे। देवी जो नया गांव से आई है। हनुमान जी की सन्यासी बाबा की जैसी उन्होंने हमारी लाज राखी, तुम्हारी भी हो जाती।
आप सभी बाबा मंच खाली करेंगे, पूरा खाली करवा देंगे। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी ने पावन आरती ये यहाँ पे तो गुरुजी चले गए थे और सारे ने मतलब जितने भी यहाँ पे थे भक्तजन सब स्टेज पे गए और यहाँ पर साधु संतों का हमने आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। सो बाय फ्रेंड्स।